BSNL ने 5G की टेस्टिंग शुरू कर दी है, वीडियो कॉल भी कर दी, स्पीड टेस्ट भी कुछ लीक होकर आया है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन जब से जियो और एयरटेल ने अपने प्राइस हाइक करे है ना, उसके बाद भाई सबका ध्यान BSNL के पास जा चुका है। लेकिन भाई BSNL के पास एक ही कमी है कि उसके पास इंटरनेट की स्पीड नहीं है, क्योंकि BSNL ने अभी तक 4G को जो है प्रॉपरली रोल आउट नहीं करा है। पैन इंडिया 4G BSNL का नहीं मिलता है, सिर्फ अभी टेस्टिंग चल रही है, धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है। लेकिन जब से जियो और एयरटेल के प्राइस हाइक हुए है, BSNL ने भाई स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, टावर जो लगा रहे हैं ना 4G के, वो एकदम मतलब दिन रात लगाने पर लगे पड़े हैं, और इवन प्रॉमिस भी कर दिया है और टाइमलाइन भी बता दिया कि कब तक वो जो है 4G के टावर जो है यहां लगा देंगे, कितने टावर लगेंगे, कब तक लगेंगे और कब तक 4G रोल आउट होगा, उसके बाद 5G कब आएगा और 5G रेडी जो सिम मिल रहा है वो कैसे काम करता है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। बताता हूं यार, रुको जरा, सब्र करो। अब देखो 5G टावर कब तक कहां तक कितने लगेंगे, उससे पहले आपको 4G टावर समझने पड़ेंगे, BSNL अपने 4G के नेटवर्क पर कैसे काम कर रहा है। देखो आप सभी को पता है 3G जो है पैन इंडिया रोल आउट कर रखा है BSNL ने, लेकिन काफी सालों से 4G पर काम कर रहा है। 4G पर काम करने के बाद धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है TCS और डॉट के साथ, तो इनके साथ पार्टनरशिप है, इनके साथ गठबंधन कर रखा है और धीरे धीरे रोल आउट करने में लगे पड़े हैं। लेकिन जो इसके यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम जो है 4G के टावर जो है वो 15,000 तो लगा दिए, लेकिन हम काफी स्पीड से काम कर रहे हैं और अक्टूबर 2024 तक हम इस 15,000 को 80,000 में कन्वर्ट करने वाले हैं, मतलब 80,000 आपको BSNL के 4G टावर मिल जाएंगे। और साथ में इन्होंने ये भी प्रॉमिस करा है कि मार्च 2025 तक हम इस 80,000 को 100,000 में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हम जो है टोटल 4G के जो नेटवर्क है, 4G के जो टावर है वो 100,000 तक पहुंचा देंगे मार्च 2025 तक। अब ये जो इनकी स्पीड है वो देखने वाली होगी, अगर इस स्पीड से इन्होंने काम करा भाई 5G ज्यादा दूर नहीं है, कुछ महीनों में मतलब यार एक साल के अंदर अंदर आपको 5G मिल जाएगा BSNL का। अब देखो मैं बात कर रहा हूं कि 4G टावर लग रहा है और बोल रहा हूं कि 5G मिल जाएगा एक साल के अंदर, वो भाई ऐसे मिल जाएगा क्योंकि जो BSNL है ना वो शॉर्टकट लगा रहा है, वो शॉर्टकट लगा रहा है आपको 5G देने में, मतलब जितना जल्दी हो सके आपको 5G दे पाए। तो ये क्या करने वाले, ये नॉन स्टैंड अलोन 5G पर काम कर रहा है, मतलब जो है ये अपने 4G टेक्नोलॉजी का ही यूज करके आपको 5G देंगे, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेशन लगेगा, कुछ कार्ड्स वगैरह अपग्रेड करेंगे अपने टावर में और एक चुट की वजह से 4G को 5G में कन्वर्ट कर देंगे, जहां से आपको जिस टावर से 4G नेटवर्क आ रहे थे वहीं से आपको 5G मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनका ये मकसद है कि जल्द से जल्द जितनी जगह हो सके मैक्सिमम जो है ना पूरा इंडिया कवर कर दे हम 4G टावर से, और फिर एक चुटकी बजा के 4G को 5G में कन्वर्ट कर सके। तो जैसे ही अपने स्पीड से काम कर रहे हैं ना, इस स्पीड से काम करके जैसे ही 4G के टावर लगा देंगे पैन इंडिया, उसके बाद भाई ये थोड़े से अपग्रेड के साथ 5G ले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे नॉन स्टैंड अलोन 5G क्या है भाई, ये जुगाड़ वुगाड़ करके स्पीड नहीं है कि भाई साहब एयरटेल भी इसी पर काम कर रहा है। इंडिया में जो है ना जियो और एयरटेल 5G आपको देते हैं बढ़िया तरीके से, जियो जो है वो स्टैंड अलोन 5G पर काम करता है, मतलब प्योर जो है ना 5G आपको देता है, जो उसके टावर है, जो उसमें टेक्नोलॉजी है, स्क्रैच से उन्होंने 5G बिल्डअप करा है, एक एक चीज जो है 5G टेक्नोलॉजी वाली यूज करिए, जब जाकर आपको 5G के सिग्नल आता है, 5G की स्पीड आती है। लेकिन जो एयरटेल है उसने क्या कर रखा है, अपने 4G टावर का यूज करके, 4G नेटवर्क का यूज करके, उसमें थोड़े से अपग्रेड करके, थोड़े से जुगाड़ करके आपको 5G देता है, और एयरटेल की काफी अच्छी स्पीड आती है 5G में भी, काफी एरिया में 400 Mbps, 300, 200, मतलब 100 Mbps से ऊपर की स्पीड मिलती है, जो कि ठीक है यार, एक्सेप्टेबल है। तो सेम इसी तरह से एयरटेल जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है आपको 5G देने के लिए, वैसी टेक्नोलॉजी आपको BSNL देने वाला है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको BSNL का 5G मिलेगा जिसमें 100 Mbps से ज्यादा की स्पीड मिलेगी। अब आपने देखा होगा कि BSNL के जो 5G रेडी सिम मिल रहा है ना उसका क्या चक्कर है। देखो यार 5G रेडी सिम जो है ना अभी एक तरह से लॉन्च करके दिखाया कि भाई अनबॉक्स करके देखो 5G सिम है, लेकिन भाई वो बहुत पहले से जो है मार्केट में 5G रेडी सिम मिल रहा है BSNL के, काफी लोगों को वही वाले सिम मिल रहा है जिसमें 5G रेडी लिखा हुआ है। वो क्या है, क्या वो 5G सिम है, सिम डालकर आपको 5G मिल जाएगा? नहीं भाई, एयरटेल और जियो ने भी जो है ना अपने 5G रोल आउट करने से पहले 5G रेडी सिम देने शुरू कर दिया। वी और एयरटेल जो है ना काफी टाइम पहले से, मतलब 5G उनका आया भी नहीं था उससे पहले 5G रेडी सिम लिखकर अपने पैक पर बेच रहे थे। वो बेसिकली फ्री में मार्केटिंग कर रहे थे कि हमारा 5G आने वाला है और हम 5G आपको सर्विस देने वाले हैं।
तो सेम टेक्निक BSNL यूज कर रहा है, मतलब फ्री की मार्केटिंग कर रहा है अपने कि हम जो है 5G रेडी है और 5G जब आएगा आपको 5G मिल जाएगा। कुछ लोग जो है सिर्फ इसी वजह से सिम ले रहा है, एक्साइटेड हो रहा है कि भाई ये 5G वाला सिम है, 5G सिम ले लो BSNL का। और ऐसा नहीं है कि आपको 5G नहीं मिलेगा, 5G रेडी है मतलब आपकी एरिया में जैसे 5G आएगा उसी सिम कार्ड पर आप 5G यूज कर पाओगे, आपको अलग से अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा 5G के लिए, क्योंकि ये जो सिम है ये यू सिम है, यू मतलब यूनिवर्सल सिम, तो ये 4G और 5G दोनों पर ही काम करेगा सिम कार्ड। तो इसलिए जो है ये 5G रेडी है, आपको लग से 5G में अपग्रेड करना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो 5G रेडी लिखकर दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिम कार्ड ले लिया और अभी बैठकर आप 5G यूज कर पाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। जब 5G सर्विस लॉन्च हो जाएगी तभी आप 5G यूज कर पाओगे BSNL का। भाई ये सब तो ठीक है, 5G पर कुछ काम भी चल रहा है BSNL का या फिर नहीं है, अभी वो बैठे ही है और 4G में लगे पड़े हैं? नहीं भाई, BSNL जो है अपने 5G पर काम कर रहा है, टेस्टिंग भी कर रहा है। इवन अभी जो उनके यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने अभी वीडियो कॉल करके देखी है BSNL के 5G नेटवर्क पर, तो काफी सारी एरियाज है जहां पर वो धीरे धीरे चुपचाप सीक्रेटली 5G की टेस्टिंग कर रहा है। इवन वीडियो कॉल करके देखी है उन्होंने, आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यहां पर इस तरह से इन्होंने वीडियो कॉल करके देखी कि भाई हम जो है BSNL 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल वगैरह काफी बढ़िया तरीके से हो रही है इनकी। इसके अलावा कुछ लोगों को जो 5G नेटवर्क मिल रहा है उसका यूज करके उन्होंने स्पीड टेस्ट करके देखा है, कुछ स्पीड टेस्ट भी लीक होकर आया है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और इसको पिंच ऑफ सॉल्ट लेना क्योंकि ये जो है आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल सोर्सेस से नहीं है, ये कुछ लोगों ने शेयर करे थे और बताया था कि भाई हमें 5G जो है नेटवर्क मिल रहा था तो हमने स्पीड टेस्ट करके देखा है। अब देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन 5G मिलेगा कब भाई? हमें डेट बता दे, मंथ बता दे, ईयर बता दे, इस डेट में 5G मिल जाएगा। एक बात बताऊं, BSNL क्या कहता था, हम 2023 में 4G ले आएंगे, हम 2024 में 4G ले आएंगे, अब बोल रहे हैं हम 2025 में 4G ले आएंगे। तो भाई इसी तरह जो है ना BSNL काफी सालों से, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया 2020 21 22 पता नहीं कब से बोलता रहा है अगले साल 4G ला रहा है, फिर अगले साल बोलते हैं हम अगले साल 4G ला रहे हैं। तो देखो अभी BSNL जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि मार्च 2025 तक जो है हम अपने टावर जो है 4G वाले वो 1,00,000 तक ले आएंगे, और इसके बाद इसी का यूज करके, इन्हीं टावर का यूज करके आपको 5G देंगे। मतलब मार्च 2025 तक अगर इन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग 1,00,000 टावर लगा दिए ना, तो भाई 2025 के एंड तक आपको 5G मिल जाएगा BSNL का, काफी एरिया में, पैन इंडिया नहीं बोलो, काफी एरिया में आपको 5G के नेटवर्क मिलने शुरू हो जाएंगे अगर इन्होंने अपने प्रॉमिस पर अटल रहे और अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते रहे, इसी स्पीड से काम करते रहे जिस स्पीड से कर रहे हैं और जो इनका प्लान है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते रहे। तो भाई आप लोग कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में बता देना, क्योंकि BSNL के इतने सस्ते प्लान मिलते हैं और इतने सस्ते प्लान में 4G और 5G की स्पीड मिल जाए तो भाई वाह क्या मजा आ जाएगा। तो अगर आपको 5G की स्पीड मिल जाए, 4G की स्पीड मिल जाए और 100-150 रुपए महीना आपको देने पड़े, तो यार अंबानी जी को हम दूर से टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे। तो खैर काफी सारी और भी वीडियोस आने वाली है BSNL की, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।